हाय एवरीवन माय नेम में श्याम उपाध्याय सो अगेन मैं आपके साथ हूँ विद लेक्चर नंबर थर्टीन एंड वी विल डिस्कस आईपी एड्रेसेस एंड देयर क्लासेस एंड व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन आईपीबी पी फोर एंड आईपीबी पी सिक्स राइट सो ए के इस सीरीज में बेसिक नेटवर्किंग के थ्री टू फोर लेक्चर्स मेरे को रिकॉर्ड करने हैं एक्चुअली इसका आइडिया ये है कि कुछ लोग जो क्लाउड कंप्यूटिंग का ट्रेनिंग करने आते हैं उनका जो बेसिक नेटवर्क होता है वो क्लियर नहीं होता है कहने का मतलब है कि नेटवर्क में आईपी के क्लासेस कितने होते हैं सबनेट मास्क का मतलब क्या होता है सी वैल्यू का मतलब क्या होता है व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन आई पी एंड आई पी और इनके सिंटेक्स क्या होते हैं कैसे हम सिस्टम्स के लिए आई को यूज़ कर सकते हैं राइट right? एंड आगे चल के जब हम लोग एक बी टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए आई थॉट कि एक रिकॉर्डिंग बेसिक नेटवर्किंग का होना चाहिए क्योंकि आपको सबनेटिंग का नॉलेज होना चाहिए आप एक लार्ज नेटवर्क को छोटे छोटे सबनेट्स में पूल आईपी के पूल्स में आप कैसे उनको कैलकुलेट कर सकते हैं दैट्स वाई मैंने एक बेसिक नेटवर्किंग के थ्री टू फोर लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड करने का सोचा है तो फर्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर थर्टीन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मोर अबाउट आईपी एड्रेसेस एंड देयर क्लासेस एंड व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन आईपी फोर एंड आई सिक्स राइट तो आईपी में आपको एक चीज याद रखना है जब भी आप एक सिस्टम की आईटी में बात करते हैं सिस्टम की एप्लीकेशन की वेब सर्वर्स की किसी भी टाइप का आपका एक सर्वर है सर्वर तो के लिए हम लोग पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करें या इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए एक एड्रेस हम लोग यूज करते हैं या तो एड्रेस दोस्तों आपका आई पी फोर होता है या फिर लेटेस्ट जो हम आजकल यूज करते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं आई पी बी सिक्स राइट तो एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि आई में जब हम लोग आई पी फोर को यूज कर रहे हैं तो व्हाट आर द नीड्स ऑफ आई पी बी सिक्स आई पी बी सिक्स को आईटी में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है तो आप इसका सिंपल एक आंसर कर सकते हैं हमारे पास ओवर द इंटरनेट जितने भी वेबसाइट्स होते हैं जनरली हर एक वेबसाइट बैकएंड में एक आईपी पे कॉन्फिगर है राइट right? तो आप सोच सकते हैं कितने वेबसाइट्स को हम ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हैं नाउ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द आई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं एक बेंडर को या हर एक यूजर को अपना अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं टू रन देयर वेबसाइट्स नाउ वी डोंट हैव एनफ लिमिट और अवेलेबल आई कि हर एक यूजर को अलग अलग सिंगल वेबसाइट चलाने के लिए एक आई पी करा पाए दैट्स वाई हमने बोला कि हम एक आई का नया वर्जन आई में नए वेबसाइट्स या नए कंप्यूटर्स के लिए या नए सिस्टम्स के लिए अगर यूजर को आई की डिमांड हो और उनको ओवर द इंटरनेट या विद इन द प्राइवेट नेटवर्क आपको एक्सेस करने का जरूरत पड़े तो आप फर्दर आई पी वी सिक्स को आप यूज कर सकते हैं राइट तो कम्युनिकेशन में दो तरीके के एड्रेस की बात होती है जब भी आप आईटी में एक सर्वर को एक्सेस करते हैं या फिर एक एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं तो एड्रेस के जो टाइप हमारे होते हैं एक तो हमारा आईपी होता है जिसको आप इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल में वी हैव द टू वर्जन राइट जिसको एक लॉजिकल एड्रेस भी हम लोग बोल सकते हैं लॉजिकल का मतलब है दैट इज नॉट अ परमानेंट एड्रेस राइट आईपी की अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम का आईपी आप ऑन द फ्लाई कभी भी चेंज कर सकते हैं चाहे वो आई पी फोर हो चाहे वो आई पी सिक्स हो लेकिन यहाँ पे आप एक नीचे देख सकते हैं एक बॉक्स मैंने जो ड्रॉ कर रखा है आपके लिए सिस्टम में एक मैक एड्रेस का भी नाम आपने सुना होगा और मैक का जो फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल वाला जो एड्रेस आपका होता है दिस परमानेंट एड्रेस और ये आपका यूनिक होता है एक चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है तो आपका जो एन फिजिकली आपके सिस्टम के साथ अटैच होता है उस सिस्टम पे एक मैक एड्रेस जनरली जनरली आपने जिस बेंडर से उस मैक को या उस निक को आपने डिजाइन कराया है वो उसको फिक्स करके देता है उसको आप ऑन द फ्लाई चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप इसको ना ऐसा समझ लें जनरल लेमेन लैंग्वेज में अगर आपको समझना है व्हाट द डिफरेंस बिटवीन आईपी एंड मैक मैक को आप अपना परमानेंट एड्रेस आप समझ सकते हैं और आईपी आपका एक कम्युनिकेशन या टेम्पररी एड्रेस है राइट right? तो परमानेंट आपका कभी चेंज नहीं हो सकता और जो टेम्पररी है दैट इज आईपी तो टेम्पररी एड्रेस आपका कभी भी चेंज हो सकता है लॉजिकली आपसे अगर दोनों में और डिफरेंस आपसे कोई पूछ ले की व्हाट आर द की पॉइंट्स और मेन डिफरेंसेस बिटवीन आई फोर एंड आई सिक्स तो आप सीधा सा बता सकते हैं कि आई फोर का जो वर्जन आईना ने ही दोनों वर्जन को मेंटेन किया है जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्टैंडर्ड आई का नेटवर्क में अवेलेबल कराया है ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आईना इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी राइट तो आई फोर की मैं आपसे बात करता हूं तो ये डिप्लॉय जो किया गया है वो 1981 में लेंथ की आपसे अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो डेसिमल लैंग्वेज में है जनरली जब आप सिस्टम को आईपी असाइन करते हैं तो हम डेसिमल लैंग्वेज में न्यूमेरिक सिस्टम जो आपका होता है उसमें डेसिमल नंबर में हम लोग सिस्टम को आईपी एलोकेट करके चलते हैं तो इसका जो लेंथ होता है जनरली जो क्योंकि सिस्टम तो आपका जीरो वन को समझता है जीरो का मतलब होता है ऑफ बेट वन का मतलब होता है ऑन बेट राइट तो फोर में टोटल जो बिट्स आपके होते हैं दैट इज 32 बिट का पूरा एक आईपी होता है एक सिंगल एड्रेस की मैं आपसे अगर बात करता हूं तो वी कैन हैव द 4.3 बिलियन एड्रेस इनसाइड द सिंगल नेटवर्क फोर की अगर हम बात करते हैं तो राइट right? इसका प्रेजेंटेशन जनरली हम डॉट के साथ करते हैं 192.168.5.18 राइट right? और इसको एलोकेशन करने के दो तरीके होते हैं डीएससीपी यानी कि एक डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसको आप डी सर्वर बोलते हैं ऑटोमेटिक आई अगर असाइन कराना है तो भी हम कर सकते हैं और एक मैनुअल कॉन्फिग्रेशन करने का तरीका होता है तो ये भी हम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं इन केस ऑफ आई पी फोर फोर में अगर आपसे थोड़ा सा डिटेल्स में पूछता है कि हाउ यू आर बिट का एक आईपी एड्रेस होता है तो आप सिंगल आंसर कर सकते हैं या तो टोटल एक आईपी में फोर ऑक्टेड होते हैं या बाइट होते हैं, राइट? Right? और आपसे अगर पूछे तो आप आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल इक्वल टू थर्टी टू वेट सेम ऑर्डर में मैं आपसे अगर आई सिक्स की बात करता हूं तो आई सिक्स जो डिप्लॉय किया गया था वो नाइनटीन में जो सबसे पहले इसका इंफॉर्मेशन हमारे सामने आया और इसका जो टोटल जो लेंथ होता है एड्रेस का दैट इज 128 टी का होता है ठीक है और इसमें टोटल अगर एड्रेसेस की हम बात करें ना तो वी कैन हैव द 7.9 पॉइंट नाइन मल्टीप्लाई बाई टेन रेज दावर ट्वेंटी एड्रेस कैन हैव इन साइड द सिंगल आई पी सिक्स एड्रेस राइट और यहाँ पे एक लाइन भी लिखा है नीचे एवरी डिवाइस कैन है अगर पूरे दुनिया में हर एक यूजर को चार या पांच आई पी वी दे दिए जाए फिर भी आपका आईपीवी सिक्स का जो पूल है वो फिल नहीं हो सकता ठीक है तो एक तरीके से ये नेवर एंडिंग है कि आपका आईपीवी सिक्स कभी भी कंज्यूम नहीं हो सकते ऐसा आप समझ लें इसका प्रेजेंटेशन जनरली जो हम लोग करते हैं विद स... कॉलन के साथ हम लोग करते हैं एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हम डॉट्स को यूज करते हैं यहाँ पे हम कॉलन का यूज करते हैं राइट और लैंग्वेज में भी मैं आपसे बात करता हूँ इसका जो प्रेजेंटेशन है वो हैक्सा डेसीमल लैंग्वेज में होता है तो हेक्सा डेसीमल में जनरली हम जो प्रेजेंटेशन का स्टेप्स जो फॉलो करते हैं ना जीरो जीरो से लेके नाइन तो आपके जनरली डेसीमल नंबर होते हैं फिर आपका टेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ इलेवन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी के साथ 12 को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ थर्टीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी के साथ और फोर्टीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई e के साथ और फिफ्टीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद एफ ये चीज आपको ध्यान रखना है तो हेक्साडेसिमल में जो टोटल जो नंबर्स आपके कैलकुलेट होते हैं जीरो टू फिफ्टीन मतलब बोला जाता है इसमें टोटल सिक्सटीन डिजिट्स आपके होते हैं लेकिन जीरो टू नाइन तो हम नॉर्मल काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव अप टू नाइन बट टेन से लेके फिफ्टीन तक यू विल जस्ट कैलकुलेट ए बी सी डी ई एफ राइट तो प्रेजेंटेशन इसका है हेक्साडेसिमल में और टोटल हाउ मेनी हेक्सा तो टोटल जो लेंथ इसका होता है एट हेक्सा का होता है ये चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है आईपीवी सिक्स में वी हैव टोटल एट हेक्सा जबकि आईपीवी फोर में मैंने आपको बताया वी हैव फोर बाइट और फोर ऑक्टेड वन हेक्सा इक्वल टू हमारा होता है सिक्सटीन वेट्स यानी कि सिक्सटीन का मल्टीप्लाई बाई एट से आप करते हैं तो इसका लेंथ जो होता है वो होता है हमारा वन ट्वेंटी एट वेट्स का राइट right? वो जो मैंने आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम में आप देख सकते हैं आराम से IPv6 का जो लेंथ है दैट इज 128 बिट का होता है ठीक है IPv6 में कोई क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि हाउ मेनी आईपी IP क्लासेस IPv4 में हमारे पास टोटल five क्लास के IP addresses होते हैं राइट क्लास ए हमारे पास है फिर क्लास बी है क्लास सी है क्लास डी है एंड क्लास ई है ठीक है तो इनका भी रेंज आपसे अगर पूछा जाए और हम लोग ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि given address एड्रेस कौन से क्लास से नोटिफाई करता है तो आपको याद रखना है किसी भी IP का जो पहला octet होता है यानी कि एक एड्रेस मैं आपके सामने अगर लिखता हूँ वन नाइनटी टू डॉट वन सिक्सटी एट टेन डॉट जीरो आपसे बोला जाए कि ये एड्रेस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है तो आपको आई का जो तीनों जो ऑक्टेड आपके होते हैं लास्ट वाले या लास्ट वाला जो ये तीन ऑक्टेड है इनको आपको नहीं देखना है यू विल टारगेट ओनली फर्स्ट ऑक्टेड जस्ट टू एड्रेस आपका कौन सी क्लास से है तो आप आराम से यहाँ देख सकते हैं, सेव दन नाइनटी टू और आईपी में मैक्सिमम हर एक ऑक्टेड का जो लिमिट जो हो सकता है जीरो से लेके टू फाइव फाइव ये चीज आपको ध्यान रखना है किसी भी ऑक्टेड का जो लेंथ है जीरो से टू फाइव फाइव इससे ज्यादा आपका नहीं हो सकता है अगर आपसे पूछा जा रहा है कि किसी एड्रेस में ऐसे करके आपको लिख के दे दिया लेट सपोज और आपसे बोला जाए आइडेंटिफाई करो किस क्लास का है तो इट्स अ रॉन्ग एड्रेस जो रेंज हमारा होना चाहिए जीरो से लेके टू फाइव फाइव होना चाहिए ठीक है तो इस एड्रेस की मैं आपसे बात करूं तो दिस दिस बिलोंग्स टू क्लास सी राइट क्यों है क्योंकि आप अभी देख सकते हैं क्लास सी का जो एड्रेस रेंज है दैट इज 192 से लेके 223 क्लास बी का है 128 से वन क्लास डी का हमारा रेंज जो होता है टू टू फोर से लेके टू थ्री नाइन क्लास ई का जो रेंज हमारा होता है टू फोर्टी से लेके टू फाइव right? फाइव बट इसमें से भी आपको याद रखना है कि क्लास डी और क्लास ई e जो हमारे होते हैं इन, इनको हम अपने सिस्टम्स के लिए अपनी एप्लीकेशन के लिए वेबसाइट्स के लिए एज अ वैलिड आई हम यूज नहीं कर सकते हैं आईना ने सिंपल स्टैंडर्ड जो हमको दिया है क्लास ए का एड्रेस क्लास बी का एड्रेस और क्लास सी का एड्रेस इन्हीं एड्रेसेस को आप अपने प्रोडक्शन में अपने सिस्टम्स के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए एप्लीकेशन के लिए वेबसाइट्स के लिए आप एज अ वैलिड आई पी एड्रेसेस आप यूज कर सकते हैं जो कि मैंने इस डायग्राम में भी आपको बता रखा है क्लास ए का अगर आप एक डिफॉल्ट नेटवर्क आप यूज करते हैं तो वी कैन हैव द मैक्सिमम 127 नेटवर्क ठीक है क्लास ए की अगर मैं बात करता हूं और 16 मिलियन होस्ट आप एक नेटवर्क में लगा सकते हैं राइट तो जब भी हमें सबसे ज्यादा होस्ट की या आईपीस की डिमांड होती है अपने नेटवर्क को रन करने के लिए अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स को रन करने के लिए जनरली वी टारगेट क्लास ए आईपी एड्रेस उससे कम आपको चाहिए होता है तो हम क्लास वी के नेटवर्क को टारगेट करते हैं जब हमें होस्ट क्लास ए के कंपैरिजन में कम डिमांड होते हैं और सबसे कम जो होस्ट हमारे लग पाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लास सी एड्रेस राइट वी कैन हैव मैक्सिमम 254 वैलिड आईपीस पर सबनेट या पर नेटवर्क अगर आपसे क्लास सी के नेटवर्क का पूछा जाए तो ठीक है और क्लास डी और क्लास ई e की अगर आपसे बात की जाए तो क्लास डी हमारा रिजर्व होता है फॉर मल्टीकास्ट एड्रेसेस मल्टीकास्ट का आप सीधा सा समझ लें जितने भी आपके रेडियो चैनल्स वगैरह होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो इनके लिए भी हमें कुछ आई की डिमांड होती है एंड जनरली जो आई हम लोग यूज करते हैं उसके लिए वी यूज द क्लास डी आई पी एड्रेसेस क्लास ई जनरली हमारा रिजर्व फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो आईना ने एक स्टैंडर्ड दिया है कि क्लास डी और क्लास ई e के एड्रेसेस को आप अपने सिस्टम पर एज अ वैलिड आईपी आप यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने आपसे बस थोड़ा सा डिस्कशन किया है है स्मॉल की मैक एड्रेस एड्रेस क्या होता इट्स अ परमानेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं आईपी में वी हैव द टू वर्जन ऑफ आई पी एड्रेसेस उनके स्टैंडर्ड क्या होते हैं वट आर द मीनिंग ऑफ बाइट का मतलब क्या होता है ऑक्टेट का मतलब क्या होता है हेक्सा का मतलब क्या होता है राइट right? और कितने क्लासेस आईपी एड्रेसेस के होते हैं जनरली तो आपसे बेसिक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से इस वीडियो का रेफरेंस लेके आप आंसर कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने रिकॉर्ड करूंगा व्हाट इज सबनेट मास्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसका रॉन्ग आंसर करते हैं ठीक है सबनेट मास्क एग्जैक्टली होता क्या है उसका मैं आपसे डिस्कशन करूंगा अगले लेक्चर में ठीक है तो इस लेक्चर में बस मैं इतना ही आपके सामने इंफॉर्मेशन देता हूँ we'll record subnet mask in next lecture thanks for watching